उम्मीद शरोड़ा फ्रॉम कैट कंस्ट्रक्शन वेयर। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वाटर टैंक। तो उसके लिए मैं स्केचर में जाता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक लाइन बना दी और इसकी डायमेंशन कर देते हैं। इसे जाके मैं इधर से ये डबल क्लिक किया, और ये जो है हमारा ये 400 हम ले लेते हैं, इसका रेडियस हो जाएगा। और ये नीचे शायद मैच नहीं हो रही, तो पॉइंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कॉन्सनेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद इस लाइन को डबल क्लिक करिए, और इसे भी मैं कर देता हूँ 800, और थोड़ा छोटा करते हैं, और एक सर्कल लेता हूँ, और सर्कल मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया, और सर्कल होना चाहिए 12 का डायमीटर का, ये छोटा सा आ रहा है। और फिर जाते हैं यहाँ से क्विक ट्रिम, और मैं इसे क्लिक करता हूँ, क्विक ट्रिम हो जाएगा। और इस वाले को मैं भी बाद में क्लिक करूँगा, ट्रिम करता हूँ, अभी रुक जाते हैं। और इसे डबल क्लिक करेंगे, और इसकी डिस्टेंस होगी 15 और क्लोज। और इसको आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है पैटर्न, तो पैटर्न कर्व में जाऊँगा, और पैटर्न कर्व में गया और डायरेक्शन मैंने ये ले ली, और ये ऊपर जा रहा है, इसे फ्लिप करिए। और फ्लिप करने के बाद 5 आइटम मुझे और चाहिए काउंट, और जो कि आपको ना चाहिए वो लेता हूँ मैं कुछ 170 के पास, और चेक कर देते हैं एक बार, ऐसा कुछ आ रहा है, और ओके कर देते हैं। अब जाके करते हैं इसे ट्रिम, ये पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जूम करते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ये आ गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर का पोर्शन के लिए एक लाइन या एक बार रिवॉल्व भी कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। नीचे का पोर्शन भी रह गया है, तो एक्सट्रूड करते हैं, सेलेक्ट करिए, एक्सट्रूड नहीं रिवॉल्व लेना है, सेलेक्ट करिए और एक्सेस 360, और सॉलिड की जगह से शीट रखिएगा, और ओके, और अब छोटा करते हैं। इस टाइप से आ गया मेरा। अब इसके ऊपर और नीचे का चाहिए, तो फिर से स्केच में जाएंगे, प्लेन को सेलेक्ट किया, डायरेक्शन, और यहाँ से इसे वायर फ्रेम किया मैंने पहले, तो यहाँ से क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी दूरी तक जाऊँगा, और फिर एक आर्क, इसकी डायमेंशन कुछ 120 ले लिया, और ये जो पॉइंट है इसके साथ मैच कर लेते हैं, ये गैप मैंने लिया 25 का, और ये जो रेडियस है डबल क्लिक, ये आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसे भी कर दिया 2500 भी आता है 2000 का, और क्लोज। और ऊपर ऊपर के लिए मैंने लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड, और कुछ ही क्लिक, इसको डबल क्लिक करते हैं, और इसकी डायमेंशन डालते हैं, इसका रेडियस मैं लेता हूँ कुछ 700, और ये पॉइंट ये प्रॉपरली मैच रहना चाहिए, और ये इस लाइन के साथ कॉन्सिडेंट,
और इसे क्लिक करता हूँ और इसे क्लिक करते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बीच में आ गया है, ये 400 ठीक है। फुली कंस्ट्रेट हो चुका है और ये पूरा नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को सिर्फ हाफ चाहिए। ट्रिम और इस कुछ भी ले लीजिए, इसे मैं रेफरेंस में कन्वर्ट करने वाला हूँ इसकी लेंथ। सो इसे अब जाते हैं और करते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व ये कर्व, ये दो कर्व हैं और वेक्टर और सॉलिड नहीं शीट। देखिए स्टेप से बन गया है। अब इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर भी है तो अभी मैं ज्वाइन को तो रहने देता हूँ और ऊपर जाके थोड़ा सा काम और करना है। तो यहाँ से प्लेन लेते हैं, प्लेन को हमने ये शो ही नहीं हो पा रहा, देखिए है ना कितने मिल पा रहे हैं। चलिए यहाँ से भी किया और ऑफसेट डिस्टेंस चाहिए मुझे 920 और फ्लिप ओके। ये बिल्कुल टॉप पे आ गया होगा और यहाँ से जाके मैं स्केच करता हूँ और यहाँ पे मेरे को चाहिए एक रेक्टेंगल सेंटर और ज्योमेट्री में जाके यहाँ से लेता हूँ इक्वल कंस्ट्रेंट में, ये और ये लाइन दोनों इक्वल होनी चाहिए और इसको अब डायमेंशन कर देते हैं, इसको कह देता हूँ मैं 300। और 300 के बाद एक सर्कल इसके बीच में भी चाहिए, यहाँ से क्लिक करते हैं और ये सर्कल मुझे चाहिए 250 का डायर, ये 250 का डायर का सर्कल भी हो गया। स्केच को फिनिश करते हैं और यहाँ से मैं एक्सट्रूड लेता हूँ और एक्सट्रूड में कनेक्टेड कर्व लेके इस बार वाले को क्लिक किया और क्लिक रिवर्स करता हूँ और मुझे यहाँ से चाहिए सब्सट्रैक्ट और क्लिक इसमें से आप 50 भी करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा और इसे कर देता हूँ मैं ओके। एक ये भी कुछ बचा हुआ है, चलिए एक ओके करता हूँ और ये भी कुछ बच रहा है, ये हमारा क्या था स्केच एक्सट्रूड को डबल क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर पे ले लेता हूँ मैं, तब ये इस स्टेप से कट हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं एक्सट्रूड में ही जाता हूँ और इस कर्व को सेलेक्ट किया, कनेक्टेड जो कर्व हैं और इनको नन करके मैंने रिवर्स साइड में और यहाँ से लेता हूँ अप टू अंटिल सेलेक्टेड और सेलेक्टेड हमारा ये है आप प्रीव्यू, तो ये यहाँ तक अभी नहीं आ पा रहा है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और जो हमने ये एक्सट्रूड किया है इसको भी डिलीट करते हैं। अब पहले एक्सट्रूड में जाता हूँ और इसे क्लिक किया रिवर्स साइड नन और कर देता हूँ अंटिल नेक्स्ट आप प्रीव्यू
लिए लिमिट जीरो। नेक्स्ट स्टार्ट की वैल्यू आपको प्रेफर इस टाइप से आ जाएगा। और सेटिंग में जाके शीट लेते हैं, ये हमारा आ गया, ओके कर देते हैं इसे। अब ये वाला पोर्शन हमारा कट होना चाहिए, तो कट के लिए मैं अगर एक्सट्रूड लेता हूँ ये वाला पूरा और इसे कर देते हैं, अगर हम यहाँ से सब्स्ट्रैक्ट बॉडी तो ये कटता है क्या, और ओके ये कट हो गया है हमारा। अब इन दोनों को मैच करना है, इनके बीच में फिल करना है हमें। अब हम यहाँ से फिल लेते हैं और इसको लिया और दूसरा कर्व ये ले लिया और दोनों को फिल कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स के थ्रू इनको एडजस्ट कर लेते हैं और ओके। और एक्सट्रूड लेते हैं और ये जो कर्व था इसको मैं नन करके जीरो और ये होना चाहिए 10 और सरफेस और ओके डेट्स इट। तो ये हमारा इस स्टेप से ऑलमोस्ट आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से मैं स्केच में जाऊंगा और इस वाले फेस पे एक स्केच करते हैं और उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन लेता हूं और लाइन ये आउटर सर्कल तक और ये ठीक है, ये प्रॉपर्ली मैच हो रहा है। अब इसको इनके बीच का जो एंगल है वो मैं लेता हूँ एंगुलर, इसके और इसके बीच का एंगल 45 का चाहिए और क्लोज। इसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं इसे ऑफसेट और ऑफसेट के अंदर मैं लेता हूँ सिमेट्रिक ऑफसेट और जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो 100 कर देते हैं, 100 बोथ साइड जा रही है तो इसे 50 करिए, 50 और ओके कर देते हैं। और यहाँ से जाके मैं लेता हूँ प्रोजेक्ट कर्व और प्रोजेक्ट कर्व करना है जो ये बाहर वाला सर्किल है उसे, ओके। और अब इसे मैं राइट क्लिक करके रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसी पे रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए कन्वर्ट टू रेफरेंस तो रहा है। रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया और जो प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं इधर से लेता हूँ और एक सिंगल कर और सिंगल कर और ओके। अब लेते हैं यहाँ से ट्रिम, तो ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ तक आ गया और सर्कल ये मैच हो रहा है। एक बार फिनिश करके देखते हैं, तो ये कुछ स्टेप से बचा है, बाहर का आउटर का जो आर्क है वो नहीं है तो उसको मैं टिक कर लेता हूँ।
ये लाइन यहाँ से आर्क में जाते हैं, आर्क में सेंटर वाला, और सेंटर है ये, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक। ये लाइन अभी नहीं चाहिए और फिनिश। ये मेरा बन गया है, इसे मैं करूँगा एक्सट्रूड सेलेक्ट और रिवर्स अप टू नेक्स्ट सीट और ओके। इस टाइप से जाएगा। अब इसको मैं कर देता हूँ पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, वेक्टर, नंबर ऑफ आइटम। मैं यहाँ से लेता हूँ नंबर ऑफ आइटम 5। आपको प्रीव्यू स्टेप्स आ गया, या इसे हम 4 कर लेते हैं और ओके। देखिए स्टेप्स आ गया है। और अब जो स्केच है इसे तो आप हाइड कर दीजिए और इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए लेना पड़ेगा मुझे कंबाइन सीयू, ये फेस और ये दोनों ज्वाइन हो जाना चाहिए क्योंकि मैं इसे भी कट करने वाला हूँ। तो ओके करा और फिर जाते हैं स्केच और सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस, ओके, और सर्कल लेते हैं सेंटर से और जो सर्किल है वो आएगा इस लाइन के एंड पॉइंट तक मैच होता हुआ आना चाहिए। अब ये सर्किल बनाया हमने एक, इसके अबाउट ट्रिम करते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, ट्रिम करना है और बाउंड्री है ये, इसके अबाउट ये ट्रिम होना चाहिए। आप फिर करते हैं प्रीव्यू और ओके, और इस सर्किल को कर देते हैं हाइड। और जो अंदर का ये पोर्शन है ये भी मेरे को ट्रिम करना है, तो ट्रिम करना है इसको अबाउट दिस बाउंड्री, तो डिस्कार्ड करते हैं इसे। और सेम ऐसे ही बाकी सबसे भी, प्रीव्यू अप्लाई, इसे काटना है अबाउट दिस, ये कट करना है और ये कैप करना है, कट हो गया। फिर इसके लिए आपको प्रीव्यू रीजन क्लिक, ये स्टेप से आ जाएगा हमारा कट हो गया। अब जो ये बचा हुआ है इस सब को फिल करना है, तो मैं इसे फिल करता हूँ ये सब फिल करना पड़ेगा। इधर से देखते हैं तो पहले इसी को ही ठीक कर लेते हैं। ये गैप है, इसको फिल करने के लिए पहले मैं ले लेता हूँ थ्रू कर्व, और फर्स्ट कर्व भी हो गया, सेकंड कर्व भी हो गया और अप्लाई, ये यहाँ से फिल हो गया। और इधर भी है ये, तो फर्स्ट कर्व ये हो गया, सेकंड कर्व ये हो गया और ओके। अब इसके अंदर जो बाकी जगह है उसके लिए लेता हूँ थ्रू कर्व, तो ये दो कर्व लिए, ऐड सेट करते हैं क्लिक अप्लाई,
फिर इधर के लिए एंड क्लिक अप्लाई, फिर इधर से अप्लाई, एड सेट और ये और ओके। तो ये हमारा सरफेस में पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं पहले पूरे को ज्वाइन करूँगा नेट के थ्रू, ये सी यू से इसे पूरा ज्वाइन कर देंगे आप, फिर कुछ प्लेट हैं वो प्लेट लगाएंगे और लास्ट में उसमें थिकनेस देंगे। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। तो मेन्यू में जाता हूँ, इंसर्ट में, कंबाइन में, और यहाँ से सी यू लेते हैं और इसको मैंने सेलेक्ट किया, और बाकी ये जितनी भी सरफेसेस हमने बनाई हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ सी यू बनाए। और ये बॉटम वाली भी, और ओके। तो ये पूरा सी यू हो गया है। इसके बाद यहाँ से एच फिलेट लेता हूँ मैं और इस वाले को क्लिक किया, और यहाँ पे एक 20 का फिलेट ये कर दिया, और कुछ ऊपर की तरफ फिलेट चाहिए तो इसको लेते हैं। अब यहाँ से एज फिलेट लेता हूँ मैं और इस एज को क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया, टर्न करते हैं, इधर फिलेट लगा लेते हैं। अप्लाई, इसे थोड़ा सा कम करके देख लेता हूँ मैं, ये शायद यहाँ पर प्रॉपरली मैच नहीं हो पा रहा इसलिए नहीं ले रहा। आई एम गोइंग टू क्रिएट, कोई बात नहीं, इस वाले को मैं भी बाद में देखता हूँ। या एक काम हम पहले कर लेते हैं, इसे थिकनेस दे देते हैं। तो यहाँ से जाएंगे और थिकन लेते हैं, सेलेक्ट करिए 1 की थिकनेस और प्रीव्यू, और 1 मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो एक बार 2 लेके देखते हैं और प्रीव्यू और ओके। और जो सरफेस थी हमारी सी यू वाली इसको कर देते हैं हाइड। अब आप प्लेट लगाना चाहेंगे प्लेट लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अप्लाई, रोटेट कर लेता हूँ, अप्लाई, अप्लाई, और बाकी जगह मैं 5 का लेता हूँ और क्लिक करते हैं इधर से, रेडियस कुछ और कम, यहाँ पे बेंड नहीं हो पा रहा है उसकी वार्निंग आ रही है, तो पहले इधर का ले लेते हैं ये, इसको लेते हैं 4। इस टाइप से ये हमारा पूरा प्लेट आ जाएगा। रेडियस अगर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में ही जाता हूँ और इसे 6 कर देते हैं और ओके। और नीचे की तरफ यहाँ से प्लेट लेता हूँ क्लिक, और ये होना चाहिए कुछ 20 ओके। फिर टॉप पे जाके डाटा में जो है इसे हाइड कर देते हैं, और व्यू में ट्रू शेडिंग और यहाँ से ग्लोबल मटेरियल,
सो फ्रेंड्स, होप आपको ये ट्यूटोरियल प्रॉपर समझ में आया होगा। मिलते हैं इस टाइप के न्यू ट्यूटोरियल के साथ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। थैंक यू।